नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूँ आपकी दोस्त अनुप्रिया। हम सब लोगों को गोरा होना बहुत ज़्यादा पसंद है, और ऐसी ही एक क्रीम मुझे किसी ने सजेस्ट की थी कमेंट सेक्शन में कि इसके ऊपर आप रिव्यू लेकर आए। अब मैंने इसे थोड़ा टाइम यूज़ किया है और मैं वो पर डे वाला वीडियो नहीं कर पाई क्योंकि मेरी बेटी छोटी है। मैंने एक दो दिन का रिकॉर्ड किया था और उसके बाद मैं भूल गई, तो अननेसेसरली मैं आप लोगों का भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। डायरेक्टली रिव्यू पे आते हैं और आप लोगों को इसके सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं इसमें दूंगी कि इसको क्या ये गोरा करती है, इसको कितना समय के लिए यूज़ करना चाहिए, इसे कौन यूज़ कर सकता है, इसके बेनिफिट्स क्या है, जो जो आपके दिमाग में क्वेश्चन है वो सब इसमें सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो चलो वीडियो में चलते हैं और देख लेते हैं कि ये क्रीम का असली सच। जी हाँ, असली सच, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स हैं इसके ऊपर और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ भी हैं, जो इस वीडियो में आपको सॉल्व करने को मिलेगी। मतलब आपके सारे प्रॉब्लम्स और आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में मिलेगा। तो चलो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बकबक ना किए बिना। और इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियोज़ आती हैं और अच्छी वीडियोज़ मैं डालती हूँ, सभी रिव्यूज़ करती हूँ, खुद पर ट्राई करती हूँ, तभी आप लोगों को बताती हूँ। बाय द वे, ये मेकअप लुक कैसा लग रहा है? करवा चौथ का मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया था, आप कभी भी कर सकते हैं 5 मिनट के अंदर। तो आप शॉर्ट्स में चेकआउट कर सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम पे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा डिले ना करते हुए वीडियो में चलते हैं। पहले तो ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने खुद टेस्ट एंड ट्रायल करके इसके ऊपर मैं आपको बता रही हूँ। मैं पिछले 15 दिन से इसे इस्तेमाल कर रही हूँ, इसके जो भी साइड इफ़ेक्ट है, जो भी बेनिफिट्स है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो चलो अभी मैं आपको सबसे पहले इसके बेनिफिट्स बता देती हूँ। ये पिगमेंटेशन को रिमूव करता है, डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है। अगर आपके फेस के ऊपर पिम्पल्स के साथ धब्बे हो गए हैं तो ये उसे भी रिमूव करने में आपकी मदद करता है। और इसके साथ साथ ये आपके फेस के ऊपर अगर कोई छोटे मोटे दाग धब्बे हैं या कोई स्पॉट्स हो गए हैं यूवी लाइट के कारण या यूवी रेज के कारण, अगर आप सनस्क्रीन नहीं अप्लाई कर रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हैं, तो उस वजह से भी फेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दाग धब्बे हो जाते हैं। पहले ये क्रीम बॉडी के लिए इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन अभी जो है इस क्रीम को फेस पे भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि ये फेस का मामला है। अभी ये लोग ना ज़्यादातर गोरे होने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को लगता है कि ये क्रीम गोरा कर रही है, और काफ़ी लंबे समय से, मतलब मैंने देखा है लोग 6-6, 7-7 साल से इसे इस्तेमाल कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि बिल्कुल गलत चीज़ है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसे कितना, कितनी क्वांटिटी में और कितनी देर के लिए ही इसको इस्तेमाल करना है। अभी हम सबसे पहले, जैसे कि मैंने बोला कि बेनिफिट के लिए आपको आपको सिर्फ दाग धब्बे ये रिमूव करेगा। अगर आपके लंबे समय से कोई दाग धब्बे हैं फेस के ऊपर, बॉडी के ऊपर, ये बॉडी के किसी भी पार्ट से दाग धब्बे हटा सकता है, लेकिन वो पिगमेंटेशन के दाग धब्बे होने चाहिए। बर्थ मार्क्स ये रिमूव नहीं करता है। अगर आपको कोई चोट लग गई है तो उसको भी ये कम नहीं करेगा, थोड़े टाइम के लिए उसे हाइड कर देगा लेकिन ये हटाएगा नहीं। जैसे ही आप ये क्रीम यूज़ करनी बंद करोगे तो वो दाग फिर से विजिबल होना शुरू हो जाएगा, हल्का लाइट ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि इस क्रीम के अंदर स्ट्रॉइड है जो कि आपकी स्किन को, की लाइनिंग को पतला करता है, जिस वजह से दाग धब्बे लाइट होने शुरू हो जाते हैं। तो पिगमेंटेशन पे ये काम करेगा, अगर आपके पिंपल्स के दाग धब्बे हैं उसे रिमूव करेगा, आपकी हाइपर पिगमेंटेशन है उसे लाइट करने में मदद करेगा, पिंपल्स वगैरह के ऊपर भी ये काम करता है क्योंकि स्ट्रॉइड है। इसको यूज़ करते हुए अगर कोई इंसान यूज़ कर रहा है उस दौरान पे आपकी स्किन भी फेयर दिखनी शुरू होगी, जिस वजह से इसे लोग जो है रेगुलर बेसिस पे लगाना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत बात है। अब इसे लगाना कैसे है? आपको इसे रात के समय ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि रात के समय जो है यूवी रेज नहीं होती, और स्ट्रॉइड जो होते हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें दिए हुए हैं, जैसे कि ट्रिटिनॉयल है इसमें, ट्रिटिनॉइन स्ट्रॉइड्स हैं इसमें, इसमें जो मैं हाइड्रोक्विनोन है जो कि स्किन की लाइनिंग को पतला करता है, तो वो सारे इन्ग्रीडियंट्स जो हैं सन रेज में आपकी स्किन को इरीटेट कर सकते हैं, आपकी स्किन के ऊपर जो है आपको इरीटेशन दे सकते हैं, रेडनेस दे सकते हैं, आपकी स्किन को ज़्यादा सेंसिटिव बना सकते हैं और इवन पिंपल्स भी ज़्यादा हो सकते हैं आपके फेस के ऊपर। तो इसे रात के समय फेस को वॉश करने के बाद, माइल्ड फेस वॉश आपको इस्तेमाल करना है। आप सीटाफिल ले सकते हैं, आप सिंपल ले सकते हैं, जिसके अंदर कोई भी एक्टिव इन्ग्रीडियंट ना हो। अब एक्टिव इन्ग्रीडियंट कौन से होते हैं? एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे कि विटामिन सी, हाइलोनिक एसिड, केमिकल पील्स जैसे कि आते हैं ये HA BHA, ये वाला कोई भी फेस वॉश, कोई भी सीरम, सैलिसिलिक एसिड, कोई भी सीरम आपको इस्तेमाल नहीं करना है, जिसमें ना ही कोई फेस वॉश आपको इस्तेमाल करना है जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वाले होते हैं, चाहे वो विटामिन सी ही क्यों ना हो। आपको एकदम प्लेन फेस वॉश, चाहे आप हिमालय का ही नॉर्मल फेस वॉश ले आए,
आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं नीम वाला, आप सीटाफिल ले सकते हैं, सिंपल का ले सकते हैं, कुछ एक के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वो फेस वॉश ले सकते हैं। फेस को वॉश करने के बाद, सिर्फ वॉश करने के बाद डायरेक्टली आपको इसे अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है और काफ़ी भरपूर मात्रा में इसे इस्तेमाल नहीं करना है। जहाँ जहाँ पे आपके दाग धब्बे हैं सिर्फ स्पॉटिंग ट्रीटमेंट आपको करना है, सिर्फ वहीं वहीं इसको लगाना है और अपने आई एरिया और माउथ एरिया के आसपास, मतलब लिप्स के आसपास और आई एरिया के आसपास इसे नहीं लगाना है। ये डार्क सर्कल पे काम नहीं करेगा, इवन आपको इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉइड है। तो आपको सिर्फ स्पॉटिंग ट्रीटमेंट करना है फेस के ऊपर, अगर आपकी बॉडी के ऊपर भी कहीं पे है तो वहाँ पे भी आपको हल्का हल्का इसे लगाना है, स्पॉटिंग ट्रीटमेंट आपको करना है। अब यहाँ पर जले के दाग धब्बे जो होते हैं उन्हें ये लाइट कर सकता है। अब इसके अंदर स्ट्रॉइड है तो आपके इमीडिएटली ये 2 से 3 दिन में आपको असर दिखाना शुरू कर देगा, आपके पिंपल्स को भी ये रिड्यूस करेगा और इसके साथ साथ आपके फेस को एकदम से आपको ऐसा लगेगा इसको लगाने के बाद मैं कितनी ज़्यादा गोरी होगी, स्किन काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लगती है। लेकिन आपको इसे सिर्फ 8 से 12 हफ्ते तक ही इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करना है, मैक्सिमम 8 से 12 हफ्ते। और अगर आपके फेस के ऊपर अगर बहुत ही कम पिगमेंटेशन है आप उसके लिए कर रहे हैं तो सिर्फ 2 से 3 हफ्ते, इससे ज़्यादा नहीं करना है। अगर हाइपर पिगमेंटेशन है तो 8 से 12 हफ्ते, इससे ज़्यादा आपको इसे नहीं लगाना है। ये नहीं कि आप सालों साल लगाए जा रहे हैं, इससे आपकी स्किन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, जब हम लंबे समय तक इसे इस्तेमाल करते हैं ये स्किन की जो लेयर है उसको थिन कर देता है, जिस वजह से अगर आप धूप में भी जाएंगे, अगर आप लंबे मतलब 12 हफ्ते से ज़्यादा आप इसे इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट मिलेंगे, मतलब स्किन की लाइनिंग बिल्कुल थिन हो जाएगी। अगर आप 3-4 महीने तक इसे इस्तेमाल कर रहे हैं या इवन साल साल भर इस्तेमाल कर रहे हैं, स्किन के ऊपर पिंपल्स आने शुरू हो जाएंगे, हेयर ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है फेस के ऊपर, बहुत ज़्यादा फेस के ऊपर आपको अनवांटेड हेयर देखने को मिलेंगे, इसके साथ साथ आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस होनी शुरू हो जाएगी और इसके साथ साथ धूप में जाते ही आपकी स्किन जलना शुरू हो जाएगी, इमिजिएटली सनबर्न हो जाएगा, इवन सनस्क्रीन लगाने के बाद भी स्किन के ऊपर डार्कनेस आनी शुरू हो जाएगी, और उसके साथ साथ आपको और कोई क्रीम सूट नहीं करेगी, कोई भी क्रीम नहीं होगी, आपको एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलेंगे। अगर आप कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट अपने फेस के ऊपर लगाओगे चाहे वो कितना भी माइल्ड हो, वो भी आपकी स्किन को ख़राब करेगा, तो ये साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इसको एक्स्ट्रा, इसको हमें बंद कैसे करना है, आप इमीडिएटली सब बंद भी नहीं कर सकते हो, ये नहीं कि आपने 6 हफ्ते लगाया या 2 से 3 हफ्ते लगाया और उसके बाद लगाना बंद कर दिया, तो इससे आपकी स्किन के ऊपर, आपने कई बार देखा होगा लोग बोलते हैं कि मैंने ये क्रीम लगाया था और इसे लगाना बंद किया तो मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा डल हो गई है, तो वो डल इसी वजह से होती है क्योंकि आप इमीडिएटली लगाना बंद कर देते हो। इसको बंद करने का भी एक तरीका होता है, अगर आप इसे लगाना है आपको धीरे धीरे क्वांटिटी इसकी कम करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इसे लगाना बंद कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके आपने इसे लगाया है 2 से 3 हफ्ते के लिए, हल्का हल्का लगाया है, तो फिर उसके बाद आप 1 दिन छोड़ के इसे लगाना शुरू लगाएं, फिर उसके बाद 2 दिन छोड़ के 2 दिन के बाद इस क्रीम का इस्तेमाल करें, जैसे आपको जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल गया है अपना, ठीक है। अब आपको इसको बंद करना है, आपको कैसे बंद करना है, जैसे आपने मंडे को इसे इस्तेमाल किया तो एकदम से आपको लगाना बंद नहीं कर देना, आपको मंडे को आपने इसे लगाया, ट्यूसडे को आपको इसको नहीं लगाना, फिर वेडनेसडे को लगाना है, फिर वेडनेसडे को, थर्सडे को नहीं लगाना है, फिर फ्राइडे को लगाना है, ऐसा 1 हफ्ता कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपको 2-2 हफ्ता करना है, जैसे आपने संडे को लगाया है लास्ट, तो आपको मंडे ट्यूसडे स्किप करना है, डायरेक्टली वेडनेसडे को लगाना है, और फिर वेडनेसडे के बाद फिर आपको जो है अपना फ्राइडे को लगाना है, फिर सैटरडे को लगाना है, फिर ऐसे 3 दिन करके, और ऐसे ऐसे धीरे 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 करके आपको इसे बंद करना है, ठीक है। 2 से 3 हफ्ता जाएगा और उसके बाद ही आपको इसे बंद करना है, इमीडिएटली नहीं करना है क्योंकि स्ट्रॉइड इमीडिएटली जो है आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्म कर देते हैं। अब इसके साथ साथ मैं अभी कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना चाहूँगी। अभी मैंने आपको बता दिया इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, इस क्रीम को किस समय पे लगाना है, इस क्रीम क्या ये क्रीम गोरा करती है, तो ये क्रीम बिल्कुल भी गोरा नहीं करती है, जस्ट स्ट्रॉइड के कारण आपकी स्किन लाइट हो जाती है क्योंकि स्किन की लाइनिंग थोड़ी थिन हो जाती है, तो इस वजह से आपको गोरापन फील होता है और इमीडिएटली इसको छोड़ने के बाद आप काले क्यों जाते हैं, इसका भी आंसर मैं आपको दे चुकी हूँ, क्योंकि आप इमीडिएटली बंद कर देते हैं तो इसका साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलता है। स्किन के इसको लगाने के बाद स्किन के ऊपर पिंपल्स और रेडनेस क्यों हो जाती है या ज़्यादा हेयर क्यों आने लग जाते हैं, अगेन इसका कारण भी यही है कि आप इमीडिएटली बंद कर देते हो तो उसका साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलता है, तो आपको धीरे धीरे इसको बंद करना है। दूसरा,
किस एज ग्रुप तक के इसे लगा सकते हैं। तो अगर आप 20 प्लस है तो ही मैं इसको रिकमेंड करूंगी, अगर आप छोटे बच्चे हैं तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी। क्या ये चोट के दाग धब्बों को रिमूव करता है? नहीं, ये चोट के दाग धब्बों को रिमूव नहीं करता है। चिकन पॉक्स के दाग धब्बों को भी ये रिमूव नहीं करता है। गहरे दाग धब्बे हैं तो वो भी गहरे, मतलब अगर नेचुरली कोई कॉज हुआ तो ठीक है, नहीं तो चोट वगैरह के दाग धब्बे, बर्थ मार्क्स को ये नहीं ट्रीट करता है। इसे मतलब मैंने एक कमेंट पढ़ा था जिसमें बोला गया था कि इसको कोई मत लगाना, इसको लगाने के बाद फेस इमीडिएटली अच्छा लगता है और इसको छोड़ने के बाद फेस के ऊपर दाग धब्बे होने शुरू हो जाते हैं और फेस पहले से भी वर्स्ट हो जाता है। इसका कारण भी यही है क्योंकि आप इमीडिएटली बंद कर देते हो, एकदम से पहले आप एक महीना लगाते रहते हो और एकदम से बंद कर देते हो तो वो आपके फेस के ऊपर ख़राब करेगा। आपको धीरे 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 करके ही इसे बंद करना है, जैसा कि मैंने पहले बताया है। नोज़ के ऊपर एक कमेंट था कि नोज़ के ऊपर निशान हो गया है, क्या ये हटाएगा चोट का? नहीं, ये चोट का निशान नहीं हटाता है। ऑयल स्किन वाले से यूज़ कर सकते हैं, जी हाँ, हर स्किन टाइप पे ये सूट करता है क्योंकि ये स्पॉट ट्रीटमेंट के लिए काम आता है, तो आप कर सकते हैं। इसको लगाने के बाद फेस के ऊपर रेडनेस एंड इरिटेशन हो जाता है, तो इसका कारण भी है। कई लोगों को साइड इफ़ेक्ट भी होता है, ये इंग्रेडिएंट्स नहीं सूट करते हैं। तो कोई भी मेडिकेटेड क्रीम अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इससे पहले पैच टेस्ट करना चाहिए। पैच टेस्ट कैसे करते हैं? आपको कान के पीछे से लगाना होता है या कलाई के ऊपर लगाना होता है। अगर लगा के आपको 3 से 4 घंटे के लिए इसे छोड़ना है, अगर तो कोई इरिटेशन, कोई पिंपल, मतलब कोई खारिश नहीं हो रही है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, जैसी लगाई थी वैसी ही है, तो इट मीन्स आपके लिए ये सूट करेगी। अगर रेडनेस वगैरह आ रही है, इरिटेशन हो रही है, खारिश हो रही है, तो ये क्रीम आपको सूट नहीं कर रही है। अब ये क्रीम जो है काफ़ी सस्ते में मिल जाती है तो हर कोई इसे लगाना शुरू कर देता है, तो आपको एक बार डॉक्टर से ज़रूर पूछ लेना चाहिए लगाने से पहले, ठीक है। अगर आप ब्रेस्ट फीड मदर है, प्रेग्नेंट वुमेन है, टीन एज में हैं या फिर छोटे बच्चों पे अगर आप लगा रहे हैं तो इसे नहीं लगाना है। इन लोगों को बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। क्या ये सनटैन को रिमूव करता है? जी हाँ, ये सनटैन को भी रिमूव करता है। इसे कब कब लगाना होता है? इसको रात को ही लगाना होता है और आपको सुबह जो है धूप में जाने से पहले 15 से 20 मिनट पहले सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना है अगर आप इस क्रीम को यूज़ कर रहे हैं। वैसे भी सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है लेकिन इसके बाद तो बिल्कुल मस्ट हो जाएगा। अगर आप किचन में भी जा रहे हैं तो भी आपको दिन में सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सुबह फेस वॉश करना इसके बाद मस्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आप फेस वॉश नहीं करेंगे और किचन में जाके खाना बनाने लगेंगे या अगर आप हाउसवाइफ हैं या फिर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो ये एकदम से आपके फेस को जलाएगा। इवन आप अगर घर के अंदर हैं, धूप आ रही है, धूप तेज़ हो गई है गर्मी हो गई मौसम में, तो वो तो भी ये आपके फेस के ऊपर से हीट निकालनी शुरू कर देगा, आपका फेस रेड हो जाएगा। तो आपको सनस्क्रीन लगाना तो मस्त है, इसके बाद ज़रूर सनस्क्रीन लगाएं। क्या इससे डार्क सर्कल रिमूव होते हैं? ये मैंने पहले भी बताया है, इससे डार्क सर्कल रिमूव नहीं होते हैं। इसे किसी सीरम के साथ लगा सकते हैं कि फेस वॉश कर ले उसके बाद सीरम अप्लाई कर ले। नहीं, कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट या सीरम्स कुछ मत अप्लाई कीजिए, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। जस्ट रात को फेस वॉश करें। इवन आपको डे टाइम में भी कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं यूज़ करना है, आपको माइल्ड मॉइस्चराइज़र और माइल्ड फेस वॉश लेना है। कुछ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो बाय कर सकते हैं। इसके साथ कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज़ करने हैं मैंने बता दिया। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स HA, BHA, हाइलोरिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, विटामिन सी और टी ट्री, कोई भी इंग्रेडिएंट आपको इसके साथ मिक्स नहीं करना है। क्या ये बॉडी पार्ट के दाग धब्बों को रिमूव करता है? जी हाँ, ये बॉडी पार्ट के दाग धब्बों को रिमूव करता है। क्या ये एंटी एजिंग के लिए काम करेगा? नहीं, ये एंटी एजिंग के दाग धब्बों को रिमूव नहीं करेगा, उसके लिए आपको ट्रीटमेंट या रेटिनॉयल ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस क्रीम को कौन कौन इस्तेमाल नहीं कर सकता है ये भी मैं बता चुकी हूँ। प्रेग्नेंट वुमेन, बच्चे, टीनेजर्स, 10 साल से छोटे बच्चे और जो भी ब्रेस्ट फीड मदर्स हैं वो नहीं इस्तेमाल कर सकती। जिनकी स्किन एक्सट्रीम सेंसिटिव है वो भी इसे इस्तेमाल ना ही करें तो ही बेहतर है। तो ये था आज का वीडियो, इसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको दिए हैं। इसमें क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ों का नहीं रखना है, कब इसे लगाना है, कौन कौन इसे लगा सकता है, सब कुछ मैंने बताया है। और जितने भी आपके क्वेश्चन थे वो भी उसके भी आंसर मैंने दे दिए हैं। अगर इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सभी के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। माइल्ड फेस वॉश और माइल्ड मॉइस्चराइजर के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वो भी चेकआउट कर लेना। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक ज़रूर देके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। और नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है तो थोड़ा सा सपोर्ट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलती फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, प्रोडक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो चेकआउट कर लेना।